स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1.4 देखते हैं। कहता है एक्सप्लेन करो इस स्टेटमेंट को कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। किसी बॉडी पर रहने वाला चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। तो पहले अजम्पशन लेते हैं थ्योरी वाला, अपन इसे अनचार्ज बोल दो, राइट। अनचार्ज, अनचार्ज बॉडी की तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन लिख दिया अपन लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल If these two charged bodies हम बनाते हैं इस अनचार्ज्ड बॉडी से, लेट से यहाँ पे अपन ने नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाई और एक सेकेंड केस में क्या बना दिया, पॉजिटिवली चार्ज। इसी से केस वन लिख देता हूँ और केस टू लिख देता हूँ। नेगेटिवली कब बनेगा बच्चों, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, राइट। प्लस कब बनेगा, जब इससे अपन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लेंगे। बहुत बेसिक सा थ्योरी समझाया जा रहा है यहाँ पे अभी। तो आप देख दो कि जो इलेक्ट्रॉन है ये होली आता है या होली जाता है, तभी अपन लिखते हैं। नेट चार्ज जो होता है वो n टाइम्स ऑफ चार्ज होता है, ये n इंटू 1.6 और 10^-19, मतलब जो भी होगा वो इसका मल्टीपल ही होने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला ना कि n का टर्म यहाँ पर 1.5 या 5/2 ऐसा कुछ आया, ये सब गलत बातें हैं। और यहाँ देखो आप कि जो चार्ज है बॉडी पे वो क्वांटाइज ही होता है, इसका ये मतलब है सिर्फ इंटीग्रल पार्ट होने चाहिए, मतलब 1, 2, 3, 4 जाना चाहिए यहाँ पे एन का टर्म। और हम ये भी कह सकते हैं कि चार्ज कभी भी ट्रांसफर फ्रैक्शन के फॉर्म में होता ही नहीं है, इसलिए अपन बात करेंगे कि जो बॉडी के पास कोई भी चार्ज होगा वो हमेशा ओनली एंड ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। और ये जो थ्योरम है ये बहुत बेसिक सा इनिशियल टॉपिक आता है जब अपन पढ़ना शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी, प्लस माइनस डिनोट करता है किस पैटर्न पे चार्ज है। इसका कंसेप्ट ये है कि चार्ज फ्रैक्शन में जाएगा नहीं और आएगा भी नहीं, जो भी होगा होली होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट होता है। सेकेंड कहता है वाई कैन वन इग्नोर, हम कब क्वांटाइजेशन के थ्योरी को इग्नोर कर सकते हैं, जब मैक्रोस्कोपिक की बात कर रहे होते हैं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बच्चों लार्ज स्केल चार्जेस। फॉर एग्जांपल अगर ये लॉन्ग वायर है तो आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज का सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्व कर सकते हो इस तरह से बच्चों। ऐसे किसी कंडीशन में आप जब बात करोगे तो लिखा हुआ है चार्ज used आर यूज एज कम्पेयर टू द मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है 1.6 × 10^-19, और ये जो चार्जेस है यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में है, ह्यूज नंबर्स। तो अगर क्वांटाइजेशन भी करता हूँ मैं, लेट से अगर बात करें अपन नेट चार्ज निकालने की, तो n टाइम्स ऑफ e अगर करते हैं तो ये वैल्यू तो बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। दैट इज द ओनली पर्पस हम यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इतना सिग्निफिकेंस देते नहीं हैं जब भी अपन लोग बात करते हैं लार्ज स्केल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। लार्ज स्केल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी तो नहीं बात करेंगे, देयरफॉर हम इसको इग्नोर कर सकते हैं बच्चों। और यही आप लोगों का एक आंसर होगा कि जब भी बॉडी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में एक वायर में या किसी भी इस तरह के कंडक्टर में या किसी शीट वगैरह के क्वेश्चन आ जाएं, ऐसे किसी प्रॉब्लम में आप लोग जो चार्ज है उसमें इस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। उस केस में आपको लैम्डा पढ़ना होता है, सिग्मा पढ़ना होता है और रो पढ़ना होता है। ये तीनों के तीनों एक तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये एक तरह से क्या है, चार्ज डेंसिटीज हैं। इनको आगे लेक्चर्स में अपन पढ़ेंगे और टॉपिक्स में भी पढ़ेंगे। अभी समझ लो कि जब चार्जेस माइक्रोस्कोपी पे पढ़े जाते हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किया जाता है, ना कि अपन उनका क्वांटाइज करके देखें, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।